खड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। जय हिंद। मैं लैबा सिद्दीकी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज 24 मार्च 2023 को हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस में उपस्थित रहे, तो आइए जानते हैं उनके इस यात्रा के पीछे के लक्ष्य को। प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को दी बड़ी सौगात, कई योजनाओं का हुआ शिलान्यास व लोकार्पण। आज शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उपस्थित रहे। इस दौरे पर उन्होंने बनारस के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसमें देश का पहला पब्लिक रोप ट्रांसपोर्ट, नए स्टेडियम का निर्माण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित कुल 1800 करोड़ रूपए की योजनाएं शामिल है। आपको बता दें कि देश की पहली पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट की शुरुआत बनारस से होगी, जो कि कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गुदौलिया चौराहे तक का सफर तय करेगी। इसके साथ ही पीएम सिग्रा स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल पर बनाने की परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। आज काशी में हर महीने 50 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। इसका फायदा यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों को मिलता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।